हाँ भाई, क्या हाल है भैया? आज एक बड़ी जबरदस्त फैक्ट्री विजिट के लिए मैं आया हूँ, जहाँ पे बड़ी नायाब किस्म की प्रोडक्ट्स बनती हैं जो कि सिर्फ पाकिस्तान में भेजी जाती हैं, जिसको कहते हैं वजीर आजम। जी मैं आया हूँ इस वक्त ऑक्सफर्ड, और जरा इनसे पूछूं भाई क्या मसला है, कोई ठीक आइटम क्यों नहीं भेज रहे हैं? मैं अल्ली वल्ली आई मजाक कर रहा हूँ। आए जी, आपको आज ऑक्सफर्ड दिखाते हैं, ऑक्सफर्ड में क्या चल रहा है। ओके सी यू। चले जी, हमारी ट्रेन आ गई ऑक्सफोर्ड की। आज ही देख सकते हैं, यहाँ ऑक्सफोर्ड का वेस्ट गेट मॉल है। ये मुस्तफा मेरे होस्ट हैं, इज गोइंग टू बी शोइंग मी अराउंड। हाँ जी, तो मुस्तफा साहब इस वक्त मुझे साइट सीइंग हॉप ऑन हॉप ऑफ टूर पे लेके जा रहे हैं, दिखाएंगे। थैंक यू। चलिए डबल डेकर के मजे जिंदगी में, शायद पहली बार। थैंक यू। ये क्राइस्ट चर्च कॉलेज है, 1525 में बना था और आज तक खड़ा है। इस कॉलेज में रोजाना रात को 9:05 पे 101 बार घंटी बजती है, क्योंकि जब ये कॉलेज व्हेन वी वाज फाउंडेड तो 101 स्टूडेंट थे, तो उनको बुलाने के लिए, क्योंकि वो कट ऑफ टाइम था हॉस्टल का, तो 101 स्टूडेंट थे तो घंटी बजती, तो ट्रेडिशनली आज तक ये 101 बार बजती है, और 9:05 पे इसलिए क्योंकि ग्रेनिच मीन टाइम से ये 5 मिनट का फ़र्क है ऑक्सफोर्ड का। जी ऑक्सफोर्ड की कनाल है, जहाँ पे कोवेंट्री से कोयला घोड़ों पे लाद के लाया जाता था। पहले वो रिवर टेम से आता था, मगर वो अगेंस्ट द फ्लो आता था, अगेंस्ट द टाइड आते थे, तो फिर ये कनाल बनाई गई ताकि आमदोरफ उसकी आसानी हो सके, ताकि ऑक्सफोर्ड की एनर्जी की ज़रूरियात पूरी हो सके। हाँ जी, ऑक्सफोर्ड की ये स्मार्ट बिन्स हैं, बेसिकली ये सोलर से चलते हैं, इसके अंदर 4G, ये डस्टबिन में 4G की सिम लगी हुई है, तो जब ये फुल हो जाते हैं तो काउंसिल को मैसेज चला जाता है कि भाई मैं भर गया हूँ, मुझे आके ले जाओ। तो हमारे पूरे 4G के सिग्नल नहीं आ रहे, डस्टबिन बता रहे हैं यहाँ पे, डस्टबिन के पूरे सिग्नल आ रहे हैं। वाह वाह वाह। गन्स एंड रोज़ेस गा रहे हैं। देख के ही बता रहे कितनी पुरानी है। भाई ऑक्सफोर्ड घूमते फिरते रहेंगे, अभी हम लेबनीज खाने आए हैं यार, इसका डेकोर है सूरत दिल से बना हुआ यार इधर। आज ये क्राइस्ट चर्च कॉलेज ये एंट्रेंस है, ये मेडोज हैं, वॉर मेमोरियल है, यहाँ पे हैरी पॉटर भी शूट हुई थी कुछ सीन्स उसके। जी ये वो स्टेयर्स हैं जो कि हैरी पॉटर में यूज़ हुई थी, जिसमें वो लंच और डिनर यहाँ जाके करते हैं। ये रूम आपको थोड़ा सा फेमिलियर लगेगा, क्योंकि हॉगवर्ट्स का लंच और डिनर यही होता था फिल्म में, हैरी पॉटर में, और क्राइस्ट चर्च कॉलेज का भी ये डाइनिंग हॉल है, जहाँ पे स्टूडेंट्स और फैकल्टी स्टाफ डिनर वगैरह इधर ही करते हैं। और ये पोर्ट्रेट्स लगे उन मशहूर लोगों के जिन्होंने यहाँ से, जो यहाँ से फारिग हुए तहसील हैं, जिसमें तकरीबन 13 वज़ीर आज़म हैं दुनिया के। ख़वातीन का मैं, क्योंकि पहले अलाउ नहीं करते थे ख़वातीन को यहाँ पढ़ना, अब लिटरली आधी स्टूडेंट की जो कैपेसिटी है वो ख़वातीन की सीट्स हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हैं बाकायदा कैफेटेरिया यहाँ पे करते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग बच्चे, सोचे आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हों ऐसी जगह पर, जहाँ पर इस मॉल में लंच और डिनर मिलता हो, तो सोचे ऐसे मॉल में तालीम भी कैसी मिलती होगी, सोचें आप। अच्छा जी, आपको तकरीबन 200 साल पुरानी ग्रफिटी दिखाते हैं, ये लिखा है नो पील। पील जो है रॉबर्ट पील प्राइम मिनिस्टर था, जो कि यहीं से पढ़ा हुआ अभी है क्राइस्ट चर्च से, एंड ही बिकेम ट्वाइस प्राइम मिनिस्टर, और बिकॉज ही वॉज़ अ पर्सन जिन्होंने जो मॉडर्न पुलिस फोर्स है UK की उन्होंने बनाई थी, तो रॉबर्ट को चूँकि बॉब कहते हैं, इसीलिए रॉबर्ट पील की बनाई हुई पुलिस को बॉबी कहते हैं। आपने सुना होगा इंग्लैंड में पुलिस को बॉबी कहते हैं, तो ये प्रोटेस्ट में
नो पील किसी स्टूडेंट ने यहाँ लिखा था, और यही वजह है कि रॉबर्ट पील की तस्वीर यहाँ पे नहीं। हालांकि 13 वजीर आज़म और कितने सदर जो जो यहाँ से पढ़ के गए उन सब की तस्वीरें ऊपर हॉल में मौजूद थी, लेकिन रॉबर्ट पील की तस्वीर आज तक मौजूद नहीं है। ये जो टॉम क्वाड है, क्योंकि ये टॉम गेट कहलाता है और क्वाड इज़ लाइक क्वाड्रेंगल विच इज़ अ कोर्टयार्ड विद फोर साइड्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ गैदर होते हैं और ये आस पास आप देख रहे हैं क्लासेज हैं, और यहाँ कहा जाता है कि ज़्यादा शोर ना करें और टाइम ना स्पेंड करें और आगे पीछे होते रहें, क्योंकि ऊपर क्लासेस में बच्चे डिस्टर्ब ना हो सके। सिर्फ जो स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको अलाउ है कि वो क्वाड में जा सकें, टूरिस्ट को इश्क की गली, क्योंकि नो एंट्री। मगर आप यार ये सोचें, आप यहाँ पढ़ते हो, बीच में फवारा हो, हॉगवर्ट्स वाला डाइनिंग हॉल हो, बेहतरीन टीचर हो, क्या माहौल है। अच्छा, ये कैथीड्रल है और इसमें ये जो वॉल है ये वॉर मेमोरियल है, और इसमें इन सब नामों में ये खास नाम है लियोपोल्ड रेजिनाल्ड हार्ग्रीव्स। खास बात ये है कि इनकी जो वालदा हैं एलिस हार्ग्रीव्स, वो खातून हैं जो यहाँ के डीन की बेटी थी, और यहाँ पे एक शॉप है एलिस शॉप, मैं आपको अगर हो सके तो दिखाऊंगा। सो ये सामने जो बड़ी प्यारी सी दुकान है एलिस शॉप, ये इसके बारे में बता रहा था, जो कि डीन यहाँ के थे, उनकी बेटी का नाम एलिस था, और इस दुकान वाले को बच्ची से इतना प्यार था, तो उसकी प्यार में उसने एलिस इन वंडरलैंड लिखी, और ये दुकान आज भी मौजूद है। वो वहाँ से जाके सामान खरीदती थी, वो उस दुकान वाले को वो इतनी पसंद थी बच्ची, इतना प्यार करते थे कि उसके नाम पे एलिस इन वंडरलैंड लिखी गई। तो ये लियोपोल्ड रेजिनाल्ड हार्ग्रीव्स की वालदा के ऊपर जो है एलिस इन वंडरलैंड लिखी गई। इस तरह न्यू कराची 40 साल पुराना, इस तरह ये यहाँ की क्राइस्ट चर्च कॉलेज की न्यू लाइब्रेरी है, जो कि न्यू हो के भी 250 साल पुरानी है, और यहाँ पे ज़्यादा ज़ोर से बोलना अलाउ नहीं है, और झांका झांकी और अंदर जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। डिजिटल टूर आप ले सकते हैं बस, बाकी इधर दूर से ही, और फिर यहीं से आपने निकल जाना है। और ये ऑलिव ट्री के सरहाने एक बड़ा क्वाइट पीसफुल एरिया है, इसको क्लॉस्टर्स कहते हैं, जहाँ पे कैथीड्रल के लोग और स्टूडेंट्स मिल के बैठ के मिलते थे आपस में, दे वुड डिबेट, दे वुड हैव शेयर आइडियाज़, और बड़े बड़े थिंकर्स, बड़े बड़े फिलोसोफर्स जो हैं उन्होंने इस कामनेस का और इस पीस का फ़ायदा उठाते हुए बेहतरीन काम किए और बहुत कंट्रीब्यूशन दिए। तो ये टूर था आज हमारा क्राइस्ट चर्च कॉलेज का, और आई होप यू गाइस एंजॉय इट। तो इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं किसी और जगह से।